जी इतना खुश कि हम लोग बता नहीं सकते हैं, और हम लोग नीतीश कुमार चाचा को भी खुश कर दिए। बिल्कुल। और जब मेरा नाम नंद किशोर सिंह हूँ। नंद किशोर जी, अब तक आप किसी भी चैनल के कैमरे में नहीं दिखे, आज पहली बार आप चैनल के कैमरे में दिख रहे हैं, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आप अपनी बिटिया पे? सर बहुत गर्व, अच्छा लग रहा है सोलोनी, बहुत अच्छा लग रहा है, आज लग रहा है कि कुछ करके दिखाए हैं, और कुछ करके दिखाई हो है? जी वो हमने किया, और आज हमें ऐसा लग रहा है कि उस लक्ष्य पर पहुंच गए हैं, उस जहां टारगेट था वो काम हो चुका है। के साथ निश्चय जाना हो भैया बदल बिहार, बिहार हो पूरा देश में नाम, पूरा देश में नाम हो, मेरा सीना छाती ऊंचा कर दिया मेरी बेटी ने। हाँ। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ दुबे है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज सुपर 7। हमारे साथ इस फ्रेम में वायरल गर्ल सलोनी मौजूद है। अब ये परिचय की कोई मोहताज नहीं रही क्योंकि पूरे देश में इनका वीडियो वायरल है। ये सलोनी वही हैं जो रोहतास के तिलौथू की हैं और शराब पे गाना गाती हैं, और बहुत बार आपने इनका गाना भी सुना होगा। और हम बता दें कि ये जो हैं, ये सलोनी के पिताजी हैं कि जिनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत पहले तो बधाई सलोनी। धन्यवाद, और आपको भी यहाँ पर आने के लिए। बिल्कुल। तो सलोनी, आज आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने गाना गाया, हम लोग वीडियो देखे, बड़ा मन प्रसन्न हुआ, क्या कुछ कहेंगी आज के पूरे दिन पर? बहुत आज हम लोग खुश हैं, और जी इतना खुश कि हम लोग बता नहीं सकते हैं, और हम लोग नीतीश कुमार चाचा को भी खुश कर दिए। बिल्कुल। और जब गाना नीतीश कुमार सुने, क्योंकि देखिए शराबबंदी के खिलाफ लगातार प्रहार रह रहा है उनका, और उन्होंने देखा कि ये बिटिया जो है वो शराब के खिलाफ ही गाना गा रही है, तो वो बड़ा प्रसन्न हुए। तो दो लाइन गुनगुनाओ जो नीतीश कुमार के सामने तुमने गाना गाया था। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, नशा में डर है नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराब। यही जो ये गाना है जिससे ये बिटिया जो है वो वायरल हुई थी, और जब जब हम लोग ये गाना सुनते हैं तो गर्व से फूले नहीं समाते हैं कि यही गाना था। और देखिए हमारे साथ फ्रेम में सलोनी के पिताजी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या नाम होगा आपका? सर मेरा नाम नंद किशोर सिंह हूँ। नंद किशोर जी, अब तक आप किसी भी चैनल के कैमरे में नहीं दिखे, आज पहली बार आप चैनल के कैमरे में दिख रहे हैं, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आप अपनी बिटिया पे? सर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। पहले तो आपके पास जमीन नहीं था ना सर, अब बिटिया ने ऐसा किया कि आपके पास अब जमीन भी आ गया, पूरा देश में नाम, पूरा देश में नाम हो गया, मेरा सीना छाती ऊंचा कर दिया मेरी बेटी ने। हाँ, माँ भी आ गई हैं, दादी भी आ गई हैं, और ये वही बिटिया है जिसने घर को गौरवान्वित कर दिया है। तो हम बात करने का प्रयास करेंगे, पहले आपको पता था कि सलोनी गाना गाती है? सर पता था, पहले गाती थी थोड़ा मोड़ा। हाँ। और माँ इसको इधर उधर चल जाती थी तो थोड़ा बहुत हम भी रोती थी, तो मैं इसको सुनाता था। हाँ। कि बेटा चुप हो जा। हाँ, हाँ, तो फिर चुप हो जाती थी। हाँ। मम्मी इधर उधर। और भी क्या क्या स्थितियाँ सुधरी है सर? अभी तो स्थिति मने माननीय नीतीश जी, आज आप मिले नीतीश कुमार जी? हम नहीं मिले, हमारी बच्ची गई थी और हमारी अच्छा पत्नी गई थी। हाँ, हाँ, हाँ। तो हम नीतीश जी को मैं प्रणाम करता हूँ कि ऐसे ही मेरी बच्ची के जितना मतलब देश में बच्ची है आगे बढ़ रही हूँ, उनको बढ़ाए, उसको हौसला बुलंद करिए। बिल्कुल। तो पहली बार किसी चैनल के माध्यम से सलोनी के पिता जो हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं, माताजी से और दादी से तो लगातार बातें हो रही हैं, कैसा लगा था? रौरा कहत रही कि कुछ अभी नहीं खे मिलल, अब तो मिलल नो। सबसे पहले हम नीतीश चाचा को प्रणाम करते हैं। हाँ। आज नीतीश चाचा हमरा जमीन के कागज दे देनी। हाँ। बहुत हम खुशी हैं कि अब जमीन ना रहे तो हमने के हो गई। हाँ। बेटी के का कहब? बेटी के क्या कहम कि हमरा तरफ ले बहुत आशीर्वाद रहो कि बढ़ो आगे। हमरे तरफ ना सब कुछ से, रहो सब के तरफ से, बिहार से, रोहतास से, सब मने भैया बहनी से, कि सबको आशीर्वाद देवो कि हमर बेटी और बढ़ो आगे,
सब बिहार के नाम रोशन। दादियों बानी दादियों से दू शब्द हम बुलवाई। दादी कैसा लगता रहा और नातिन गई बेरा मुख्यमंत्री से मिले? ठीक लगता बाबू, ठीक लगता नू? बहुत अधीन बड़न जब बाबू, बहुत अधीन बाबू के हम कुछ पढ़ाबो लिखाबो कहाँ कैली, पढ़ावे लिखावे लगली तो चोरे लगे किताब, पढ़ाबो न कैली क्या करी, लुगा फटा रहे ओहो लगे रहना नाजो लगे रहन क्या करी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पिताजी हैं एक अंतिम सवाल करेंगे, बहुत सारी बातें चल रही थी, क्या काम आप करते हैं ये पहले बता दीजिए। सर अभी तो मैं गोवा में रह रहा हूँ, गोवा कर्नाटका के बॉर्डर पर नेवल लाइन के वहाँ काम चलता है, उसी में काम मतलब मजदूरी का काम करता हूँ। मजदूरी का काम करते हैं, बाहर निकलना पड़ा यहाँ से बिहार से। तो धान भी इधर उधर खेती में भी काम करते थे, चलिए अब तो लड़की और दिन एकदम ठीक कैलास न। हाँ सर अभी तो मतलब ठीक है, ठीक बानू। हाँ। सलोनी के पास हम फिर से लौटेंगे। सलोनी कैसा लग रहा है जब बच्चे घर के लिए कुछ करते हैं, स्वयं हम भी अपने घर के एक बेटे हैं, जब हम लोग अपने घर के लिए कुछ करते हैं तो बड़ा अंदर में अच्छा लगता है, अंदर में आनंद आता है, घर के माता पिता सब प्रसन्न है, कैसा लग रहा है सलोनी? बहुत अच्छा लग रहा है, आज लग रहा है कि कुछ करके दिखाए हैं और कुछ करके दिखाई हो है? जी। क्या संदेश देना चाहोगी? बहुत सारे लोग वायरल हो रहे हैं बाबू, और बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि हम भी सलोनी बन जाए। देखो वायरलिज्म का एक पर्याय बन चुकी है सलोनी, जब भी लोग कहते हैं कि हम वायरल होंगे तो वायरल नहीं कह के अब कहते हैं हम सलोनी बनेंगे जो वायरल हो गई थी बिहार से, तो क्या कुछ कहोगी उन लोगों के लिए? मेहनत कीजिए, आप लोग भी वायरल होइएगा, लेकिन अच्छे काम के लिए वायरल होइएगा। अच्छे काम के लिए वायरल होइए, देखिए बहुत बड़ी बात बिटिया ने कह दी कि अच्छे काम के लिए वायरल होइए, अब ये नहीं कि कुछ गलत सलत करके वायरल होने का कोई एक तरीका निकाला जाए और वायरल हो जाया जाए। तो ये अंतिम बार हम फिर से आप पूरे परिवार देख लीजिए, हम चाहेंगे न्यूज सुपर सेवन के कैमरे में पूरा का पूरा परिवार है, और हमारे साथ प्रिंसिपल सर भी हम चाहेंगे कि फ्रेम में आ जाए क्योंकि बहुत इनका अहम योगदान रहा है। सर अब तो आपकी जो बिटिया है, आपने वीडियो बनाया वायरल किया, आज नीतीश कुमार जी के सामने वो गीत सुना रही थी, तो आपको कैसा लग रहा था? खुशी का ठिकाना नहीं था और लक्ष्य यही था, वायरल जब बच्ची हुई थी तो दिन रात एक करके इस बच्ची को आगे बढ़ाने का जो कार्य था वो हमने किया, और आज हमें ऐसा लग रहा है कि उस लक्ष्य पर पहुंच गए हैं, उस जहां टारगेट था वो काम हो चुका है, काम हो चुका। और आगे भी हम लोग से जितना सहयोग बनेगा उस सहयोग को हम जरूर करेंगे। बिल्कुल। तो सलोनी चलते चलते एक गाना गा दो जो सिगरेट वाला गा रही हो, बहुत जो युवक हैं नौ युवक हैं कॉलेजेज में पढ़ रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं, और आपका गाना बड़ा अच्छा है जो कि बता रहा है कि सिगरेट नहीं पीजिए भैया। बीड़ी न पीना साथी जलेगा कॉलेजा बातों बात में, होगी असर नींद न होगी रातों रात में, कि भारी जवानी चौपट होगी हजम न होगा खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो यही सिचुएशन यहाँ पर भी नजर आ रहा है, जो सौभाग्य है वो हमेशा सोता नहीं है, कभी ना कभी जरूर सामने आता है, हमेशा जीवन में एक ही समय नहीं चलता है। सलोनी अब हम चाहेंगे, अब तो आप मुख्यमंत्री जी से मिल गई, अब आगे का आपका क्या रणनीति है? देखिए पढ़ाई से भटकन होगा या फिर संगीत का ही चयन होगा? नहीं अभी हम पढ़ाई करेंगे, बहुत ज्यादा हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब हो गया है ना। चलिए आई बात बताओ, बताई रोवा की रोवा के गैस मिलल की ना मिलल? गैस मिल गई। वाह भाई बात, तो सब हो गई, घर हो गई, गैस हो गई है ना, अभी घर नहीं है भाई, मतलब जमीन तो हो ही गई ना भाई, मुख्यमंत्री जी देनी है। हां तो ये तो जमीन हो गई, अभी घर नहीं है बना, अभी घर नहीं है बना ना, घर भी बन जाएगा, घर भी बन जाएगा। पूरा बिटिया जो है वो कॉन्फिडेंस में है, और इस तरह की जो बच्चियां हैं वो पूरे घर को, पूरे वंश को और पूरे देश को आगे ले जाती हैं।
हम लेते हैं विदा क्योंकि ये लोग सुबह से ही थके हुए हैं, लगातार लोग आ रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं, तो हम अभी आपसे लेंगे विदा। लेकिन चलते चलते चाहेंगे सलोनी गुनगुना दीजिए, क्योंकि आपका जो गाना है वो बहुत लोग देख रहे हैं और बहुत लोग सुन रहे हैं। एक गाना आप सुना दीजिए और हम लोग मधुरेण समापन कर दें। के साथ निश्चय जाना हो भैया बदल बिहार बिहार हो चाचा चमकल बिहार खुश भैली माई औरी बहिनी हो खुश भैली माई औरी बहिनी हो भैया चमकल बिहार।